सो गाइस हम लोग इको पार्क का मेन वाटरफॉल में आ चुके हैं, तो आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। सो वेलकम बैक टू माय स्वाइप कैप, मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग अरबा कैप का अंदर एंट्री कर चुके हैं, आप लोग व्यू देखिए कैसा लग रहा है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे टू इन चेरापुंजी। हम लोग जाने वाले कहा? मौसमी केव और इको पार्क। तो मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा इको पार्क और मौसमी केव का व्यू। तो यहाँ पे देखिए वेदर सेकंड में चेंज होता है। अभी धूप था, अभी धूप था, अभी बारिश, फिर अभी नॉर्मल, फिर अभी नॉर्मल वेदर। मतलब वेदर का कोई ये नहीं है, वेदर सेकंड में चेंज होता है। यहाँ पे यहाँ का लड़की का भी छूट भूल जाइए, क्या होगा। बात तो सही है। So guys, आदी भी चल जाएगा। मिलते हैं वहाँ पे और आप लोगों को मैं व्यू दिखाता हूँ। चलिए सो गाइस वेलकम टू इको पार्क। आप लोग देख सकते हैं इको पार्क का जो व्यू है, हर जगह फॉग, हर जगह फॉग। और इसमें ये है चारों फ्रॉग। आइस नहीं है फिर भी छाता ले लिया है। कुछ नहीं दिख रहा है गाइस, लेकिन मजा तो बहुत आ रहा है। ये है इको पार्क, यहाँ में हर तरफ फॉग है। अभी बारिश आएगा, अभी फॉग आ गया। सो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रिज भी मिल गया हमें, और ये नीचे पानी भी है। मैं जूम करके दिखाता हूँ ये पानी। फिर से बारिश आ गया गाइस, हर तरफ पानी ही पानी, और फॉग बहुत ही ज्यादा है। फॉग कुछ दिखाई नहीं पड़ता है गाइस, बारिश भी आ चुका है पूरा। अरे छाटा लो। सो गाइस देखिए यहाँ में और एक ब्रिज मिल चुका है हमें, और यहाँ देखिए उसका पानी के नीचे कुछ भी नहीं है। इसका नीचे और नीचे डायरेक्ट खाई है, डायरेक्ट खाई है, और खाई में हमें जाना नहीं है। इसलिए नीचे में जगह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा। गुड्डू कैसा लग रहा है यार? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इतना पानी साफ को लेना पड़ेगा। तो गाइस व्यू देखिए इको पार्क का, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे सिर्फ पानी गिरता हुआ वाटरफॉल है गाइस, और नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे पूरा फॉग है। सो गाइस हम लोग इको पार्क का मेन वाटरफॉल में आ चुके हैं, तो आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हैं गाइस वो व्यू देखिए गाइस, व्यू देखिए कितना मजा आता है। आप लोग भी आइए और यहाँ का मजा लीजिए। ऊपर ये इको पार्क से ऊपर का नजारा, और ऊपर से लेगा, चलो चलो और ऊपर से लेता है। ये ऊपर का नजारा। तो गाइस हम लोग ने इको पार्क घूम लिया है, हम लोग अभी जाएंगे मौसमी केव, तो वहां का भी आपको व्यू दिखाता हूँ। तो चलिए। सो हम लोगों ने सुबह कुछ खाया नहीं था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हम लोग ने सोचा कि अभी दूसरा जगह जाते घूमने के लिए, पहले ब्रेकफास्ट कर ले। तो उसके बाद बहुत महंगा है, कुछ ज्यादा ही ना। आप लोग अगर दो दिन के लिए आओ तो थोड़ा बजट कम से कम पर पर्सन थ्री के लेके आओ। हाँ हाँ बजट बहुत अच्छा है, ठीक से खा पाएगा, नहीं तो खाली पेट जाना पड़ेगा हम लोग की तरह। तो गाइस हम लोग अभी मासवाई कैंप आ चुके हैं, व्यू दिखाता हूँ अंदर का। ये मासवाई कैंप। तो वेलकम बैक टू मासवाई कैंप, मैं आप लोग को अंदर का व्यू दिखाता हूँ। बस थोड़ा सा टिप्स, कैसा लग रहा है गाइस? मस्त यार। चलो अंदर जाता है। ये कैब का अंदर का रास्ता, और दिखाता हूँ मैं आगे तक। पूरा अंधार हो गया है, बाहर पुहर है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अंदर पूरा अंधार है,
मास्ट वाइक कैंप का। आप लोग जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सानी कैसा लग रहा है? बहुत ही खतरनाक। ऐसे अंदर इतने छोटा रास्ता है, देखिए अंदर से जाना पड़ेगा। बैग से जा सकते क्या कि नहीं? हम तो बहुत बड़ा बैग लाया है, देखिए कितना छोटा रास्ता है। सो गाइस अब लोग देख सकते हैं ये केव के अंदर से पूरा पानी ही पानी आ रहा है और पत्थर का रास्ता, थोड़ा उथल पुथल रास्ता है, आपको थोड़ा चढ़ के जाना पड़ेगा। और जगह पूरा साफ है, पानी पूरा साफ है। और आपको एक बात कह दूँ कि ये केव के अंदर से ही पहले बांग्लादेशी लोग पास होते थे, आना जाना करते थे। ये वही केव है। बाहर जा रहे हैं अभी, यहाँ से अंदर पे बहुत पानी है। आओ बाहर, आजा बाहर। सो हमारा एंजॉयमेंट पूरा जारी था और हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे। सो गाइस बहुत सारा केप घूमने के बाद हमारा एक केप बाकी रह चुका था, जो है अरवा केप। तो चलिए हम लोग देखते हैं अरवा केप। तो वीडियो के साथ बने रहे आप लोग। सो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं अरवा केप और अभी यहाँ पे हम लोग ऊपर में जाएंगे। ये अरवा केप। सो यहाँ से हाफ किलोमीटर ऊपर जाने में, तो अभी हम लोग जाएंगे ऊपर में और आपको ऊपर का व्यू दिखाएंगे। कैसा लग रहा है आप लोग को? नाइस, बहुत मजा आ रहा है। बहुत इधर इधर। हेलो हेलो गाइस, इधर अभी हम नया जगह में आया है, तो जाके देखना पड़ेगा ना कैसा है। तो आप लोग भी आके देखिए, मेरा साथ साथ बने रहिए लास्ट तक। चलिए सो गाइस अभी हम लोग अरवा केव का अंदर एंट्री कर चुके हैं। आप लोग व्यू देखिए कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा, इतना सुंदर व्यू गाइस। ठंडो ठंडो कैसा। हम अभी भी चल ही रहे, थोड़ा दूर है और यहाँ का व्यूज गाइस इतना सुंदर है, आप लोगों को मैं फिर एक बार दिखाता हूँ। देखिए व्यू, देखिए व्यू, देखिए गाइस। मनाली मनाली देखो गाइस, गाइस देखो, देखिए गाइस वॉटरफॉल। सो गाइस हम लोग केव आ चुके हैं, तो अभी अंदर का व्यू सिखा दो आप लोग को। चलो गाइस अंदर देखिए गाइस। गाइस आ जा। पानी जाने का जगह है, पूरा पानी पानी और पूरा साफा पानी। आप देख सकते So guys, ये केव इतना ही बड़ा था कि हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बड़ा था। हम लोग अंदर जाते ही रहे और केव ख़त्म ही नहीं हो रहा था और मज़ा बहुत आ रहा था गाइस। होगा होगा गाइस, यहाँ हम लोग फंस चुके हैं, जाने का जगह नहीं है। एक बहुत भयानक जगह है, चलो रिटर्न जाना पड़ रहा है गाइस हम लोग को, कहीं और देखना पड़ेगा, कहीं और रास्ता है क्या। वाओ एक बार सब लोग से जगह जगह मैं और फोटो शूट नहीं करेंगे, ऐसा तो बात हो ही नहीं सकता। तो हम लोग घूम घूम के अभी फोटो शूट में स्टार्ट हो गए हैं। गाइस हम लोग ने पूरा अभी केव देख चुका है, अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। चलिए बाहर जाते हैं, पूरा पानी 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 का ऊपर से जाना पड़ेगा। गाइस हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं और एग्जिट का सामने आप व्यू देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं अभी आप। हाँ इधर से भी रास्ता है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, घर नहीं इस लोकेशन से जा रहे हैं। आप तो लोगों को मैंने पूरा इसका व्यू दिखाया, तो कमेंट में बताना कैसा लगा। आप लोग भी घूमने आओ, ठीक है। वीडियो कर रहा है अपना।
जितना भी वीडियो आज निखिल भैया ने किया है उन सब में से कौन सा लोकेशन बेस्ट लगा वो भी कमेंट में कीजिएगा। तो हमने फाइनली ये ट्रिप कंप्लीट कर लिया अरवा कैप और यहाँ बहुत मजा आता है गाइस, बहुत ही टिकट ज्यादा नहीं है 50 रुपीज है। आप लोग आइए और अच्छा से ट्रेवलिंग कीजिए, यहाँ का मजा लीजिए, यहाँ का व्यू का मजा लीजिए और आप लोग फ्रेंड के साथ आइए, बहुत मजा आता है गाइस। तो कुछ बोलना चाहते आप लोग? मैं तो बहुत चीज बोलना चाहता हूँ गाइस, आज जो हम लोग को एंजॉय मिला है आप लोग को मिलेगा, बस एक बार यहाँ पर आइए घूमने आइए, बस ज्यादा पैसा लेके आइए नहीं तो प्रॉब्लम होगा, एक्सपेंसिव है चीज सब इसलिए थोड़ा। और जगह तो बहुत मस्त है, ये बहुत ही गहरा है, बस फॉग की वजह से दिख नहीं रहा और बहुत गहरा है, देख के आप लोगों को बहुत मजा आएगा और घूम के तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन है जो आपको देख के पेट भर जाएगा, देख के ही मन भर के फोटो वीडियो बना सकते हैं। तो गाइस अगर हम लोग का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए कैसा लगा और मेरा जो बेल का सॉरी जो मेरा चैनल का बेल आइकन है वो क्लिक कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे तक मिलती रहे। तो तब तक बाय, टेक केयर। रुके पहले ही बाय क्यों, रुको जरा। और गाइस मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मेरा नाम है निखिल ईगल 111, तो भूलिए मत। मेरा आईडी सुमिंडी मिनी फ्लिपर और मेरा तो सब जानता है, मैं बताऊंगा नहीं। तुम क्या सेलिब्रिटी गाइस, सेलिब्रिटी तो जानता है, भाई कौन हूं मेरा है, बात बताओ। ये मिनी असम फ्लिपर जो आप लोगों को इंस्टाग्राम में सर्च कीजिएगा, मिनी असम फ्लिपर में मिल जाऊंगा, मिनी मिनी फ्लिपर बेसी बात नहीं है, चार सौ के आसपास। बाय 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 बाय, गुड नाइट, लव यू एवरीथिंग।